95% इंडिया में लोग प्रेशर में डिसिप्लिन रहते हैं, 98 ये एक्स्ट्रा है सर। संघर्ष को एंजॉयमेंट बना लेना एक्स्ट्रा है सर। अपने डिसिप्लिन के लिए बहुत जाना जाता है ये आदमी, ये मेरी एक कमी है सर। गांधी जी का सम्मान मैं कई कारणों से करता हूं, उसमें कारण ये भी है कि वो अपनी भी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं। डिसिप्लिन को बनाने का एक ही रास्ता है, जो खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पाते उनके नौकर बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। 95% इंडिया में लोग प्रेशर में डिसिप्लिन रहते हैं, 98 ये मेरी एक कमी है सर। गांधी जी का सम्मान मैं कई कारणों से करता हूं, उसमें कारण ये भी है कि वो अपनी भी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं। जो खुद को डिसिप्लिन रखते हैं ना वो नौकर बन ही नहीं सकते सर। जो खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पाते उनके नौकर बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। डिसिप्लिन को बनाने का एक ही रास्ता है। बहुत बड़ी खतरनाक चीज जिससे मैं भी कभी कभी मार खा जाता हूं, खाता हूं सर, मैं इसका निषेध नहीं करूंगा, मैं भी कभी कभी मार खा जाता हूं, और वो है डिसिप्लिन। ये एक्स्ट्रा है सर, ये हर आदमी में नहीं है सर, ये एक्स्ट्रा है सर, ये हर आदमी में है। यानी हर 95% दुनिया में लोग प्रेशर में डिसिप्लिन रहते हैं, 95% इंडिया में लोग प्रेशर में डिसिप्लिन रहते हैं, 95% लोग प्रेशर में डिसिप्लिन रहते हैं, सिर्फ प्रेशर में। बचपन में मां बाप का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, टीचर का प्रेशर, बड़े होने पर बॉस का प्रेशर, बीवी का प्रेशर। जो खुद से डिसिप्लिन हो गया ये एक्स्ट्रा है सर। आप पूछते ना एक्स्ट्रा क्या है, संघर्ष को एंजॉयमेंट बना लेना एक्स्ट्रा है सर। जैसे एग्जाम्पल स्वामी करमवीर, 3 बजे उठना है सर। एक ऐसा आदमी इतिहास में महान बन गया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, एडॉल्फ हिटलर। अपने डिसिप्लिन के लिए बहुत जाना जाता है यह आदमी, ये एक्स्ट्रा है सर। इसके बारे में कहा जाता है कि पूरे जीवन, लास्ट दिन जब इसने सुसाइड किया उस दिन भी पूरा जीवन इसने अपना डिसिप्लिन कभी नहीं तोड़ा। अगर ये 2 बजे सोया तो भी 3 बजे उठा। वैसे हमसे हो जाता है कि यार रात देर में सोए थे, इसके साथ ये बात नहीं थी। ये मेरी एक कमी है सर, मेरी है सर, मैं मानूंगा सर। अभी मुझे इस पर काम करना है सर, कर ही रहा हूं सर, लेकिन बहुत बड़ी चीज है सर। गांधी जी का सम्मान मैं कई कारणों से करता हूं, उसमें कारण यह भी है कि वो अपनी भी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, यह बहुत बड़ी चीज है सर, यह बहुत बड़ा एक्स्ट्रा फैक्टर है सर। यह जिसने अडॉप्ट कर लिया सेल्फ डिसिप्लिन, और इसका एक ही रास्ता है सर, डिसिप्लिन को बनाने का एक ही रास्ता है, सेल्फ पनिशमेंट। मतलब अगर आप अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाते हो तो आप खुद को पनिश करो सर। जो आदमी खुद को पनिश करना सीख जाएगा उसको दुनिया में कोई दूसरा पनिश कर ही नहीं सकता, और जो खुद को पनिश नहीं करेगा यानी वो डिसिप्लिन नहीं होगा तो दुनिया उसे पनिश करेगी। जब हम तैयारी करते थे तो कोई उठने का, खाने का, जागने का कोई वक्त नहीं होता था, गलत था सर वो। लेकिन जब हम काम करने लगे, पढ़ाने लगे, दूसरों के संस्थाओं में पढ़ाने लगे तो अब 8 बजे क्लास है तो 8:30 बजे ठंडक में सर, जिस ठंडक को हमने कभी बहाना बनाया कि यार आज बहुत ठंडक है, जिस ठंडक को हमने कभी बहाना बनाया कि यार आज बहुत ठंडक है, सुबह 7:30 बजे अकूत ठंडक में इंस्टीट्यूट पहुंचना होता है, बारिश में ठंडक में पहुंचना है सर, आप काम कर रहे हो। जो खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पाते उनके नौकर बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है।
एक लंबे समय तक नौकरी की सर, जो खुद को डिसिप्लिन रखते हैं ना वो नौकर बन ही नहीं सकते सर। इतना महान कॉन्सेप्ट है ये सर, इतना महान तत्व है, फैक्टर है डिसिप्लिन।